दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल वीर सिंह उस्ताद मैकेनिक। तो दोस्तों आज वीडियो लेके आए हैं कि BS6 जुपिटर में जो इंजन का ब्रैकेट होता है, इंजन का झूला होता है, जिसको कई भाषा में जैसे इस पे लिखा हुआ है, देखो टोगले लिंक असेंबली, जिसे भी हम बोलते हैं अलग अलग भाषा में, हम ज़्यादातर दिल्ली में झूला बोलते हैं कि इंजन का झूला या इंजन का ब्रैकेट दे दो। तो इंजन का जो ब्रैकेट है ये हमें थोड़ा मुश्किल से मिला है, कई सर्विस सेंटर में घूमे तब जाके मिला, सर्विस सेंटर में भी नहीं मिला था, दूसरे में जाके मिला। तो जहाँ पर हम गए स्पेयर पार्ट की दुकान पे, उन्होंने बोला कि दे एक बार बताओ, दिखाओ, फोटो दिखाओ कैसा है, या इसको हम दिखाते हैं, देखते हैं, मिला के मैच करते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो इसी विषय पर हमने यही सोचकर वीडियो बनाई कि अगर आपको वीडियो में ये पता लग जाए कि हमारे जो हमें सामान लेना है वो किस टाइप का है, तो आगे हमें दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि पहले जुपिटर था उसमें कैसा झूला था और ये नया BS6 जो है इसमें कैसा झूला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दोनों झूले हैं मेरे पास, दोनों ब्रैकेट हैं, ये एक ये है और एक ये है। इनमें से एक BS6 का, एक वीगो का है, वीगो जुपिटर का है। तो इनमें फ़र्क क्या है, डिफरेंट क्या है, तो वही मैं बताऊँगा तुम्हें। तो वीडियो बने रहना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करना है। आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है, इसलिए मैं सबसे पहले दिखाता हूं आपको BS6 का ये झूला निकालता हूं। ये इसका पार्ट नंबर ये देख पा रहे हैं ऊपर है BS6 का, और बता देता हूँ मैं जो भी है अभी बताऊँगा, एक मिनट, दोनों का पार्ट नंबर बताऊँगा मैं, इसमें से निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये ब्रैकेट है, ये है BS6 का और ये दूसरा है जुपिटर का। तो अभी हम जब गए थे सामान लेने के लिए तो वहाँ ये थोड़ी समस्या आई कि दिखाओ कैसा है, एक बार फ़ोटो भेजो या मैं फ़ोटो भेजता हूँ। तो फ़ोटो के ज़रिए ही एक दूसरे से बात कर रहे थे हम। तो अब आप ये देखोगे, ये दोनों झूले आपको देखने में बिल्कुल वैसे, अगर एक नज़र में देखोगे तो बिल्कुल सेम लगेंगे, लेकिन मैं जब हम ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि ये बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आप देख पा रहे हो जैसे इसमें ये गुलाई अंदर गहराई बनी हुई है एक तरफ से, आगे रबड़ भी इस तरह से है, ये इधर से सीधा है, इसमें भी आप देखोगे सीधा है, आगे रबड़ भी इस तरह से और इसमें गुलाई बनी हुई है, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। अगर हम ये वाला BS6 वाला चाहें तो वीगो या जुपिटर में पुराने वाले में नहीं लगेगा, पुराने वाले चाहें तो नए वाले में नहीं लगेगा। इसमें फ़र्क क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो ये वीगो का है जुपिटर का है पहले वाले का, और ये BS6 जुपिटर का है। तो इसमें फ़र्क क्या है, जो वीगो वाला देख पा रहे हैं आप, ये बिल्कुल जैसे रबड़ आगे का सिरा दोनों एक तरफ एक साइड है दोनों, लेकिन इसमें क्या है, जो ये हिस्सा है ये ऊपर उठा हुआ, जो पुराना जुपिटर है उसमें ऊपर उठा हुआ है, और जो हमारा नया जुपिटर BS6 जुपिटर है उसका ये इधर से गहराई में, यानी ये वाले का उठा हुआ है पुराने वाले का, और जो BS6 वाला उसका ये गड्ढा है। ये क्यों है अब मैं दिखा देता हूँ कि क्यों है ये, और इसके दोनों के पार्ट नंबर भी बताऊँगा कि आप पार्ट नंबर के ज़रिए मंगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है वीगो का और जुपिटर पुराने वाले का, और झूला इस तरह से फिट होता है इंजन में। तो जब अगर हम इस तरह से फिट करेंगे तो जो उठा हुआ हिस्सा है वो हमारा साइलेंसर में टच करेगा, क्योंकि जो कंपनी बनाती है किसी भी चीज़ को तो उसमें बिल्कुल एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाती है। अब हम BS6 का जो झूला अगर यहाँ लगाते हैं, जैसे ये ब्रैकेट को यहाँ लगाते हैं, अब देख पा रहे हैं आप, ये हमें जब ऊपर नीचे झूलेगा तो यहाँ पे स्पेस मिलेगा, ये जो गड्ढा है खांचा ये मिलेगा। तो कभी भी अगर हमें झूला मंगाना है BS6 का तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और दूसरा मैं पार्ट नंबर बताता हूँ आपको, BS6 का पार्ट नंबर है K609070, ये आप देख पा रहे हैं ये नंबर है इसका, और जो ये वीगो वाला है इसका है K609030। तो अगर आप झूले को नहीं नापते या झूला नहीं है आपके पास या नहीं ध्यान में, तो कम इतना कर सकते हैं कि हम इसका जो पार्ट नंबर है उसको बता के दुकानदार को, उसके बारे में बता के उसका नंबर बता के भी हम इसको झूले को मंगा सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो इसी विषय पर था कि अगर हमें झूला BS6 का लेना है और कोई कन्फ्यूजन है तो उसके में हमें कन्फ्यूजन नहीं हो, पहले ही हम कन्फर्म कर लें। और इसका टाइटल भी मैं यही दूंगा कि BS6 का झूला कैसा होता है या कैसे चेक करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।